हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तहमीन एंड वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ वापस अपने चैनल पे। क्यों मैं इतने दिन तक आई रही हूँ बताओ, गेस व्हाट। असल में सीन ये था कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा कारनामा हो गया था, ठीक है। मैं अपने काम के चक्कर में फंस गई थी बहुत बुरे तरीके से, अभी भी फंसी हूँ। बट फिर मैंने सोचा कि यार इतना डिप्रेशन लेने से क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई तुम्हें डिप्रेशन है, अपनी आँखों की हालत देखो, अपने स्टमक की हालत देखो, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो अगर मरना वरना है तो फिर इट्स फाइन। तो इतने ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है। और ये मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, ये भाई साहब, इन्होंने यहाँ पर आना है। और इन्होंने ये कब से यहाँ पे है ना कैमरा के पीछे मचक रहे हैं कि बातें मत करो, मेरे साथ खेलो कूदो, क्योंकि आज बड़ी ने बहुत दिनों के बाद मुझे अपने साथ देखा है। क्योंकि इसको काफ़ी दिन से मम्मा ही जो है ना वो खाना वगैरह दे रही थी, मैंने इससे बातें ही नहीं की, ना मैं इसके साथ आके बैठी हूँ। बड़ी बात सुनो, तो आ जाओ। और मैं ठमको के साथ भी बहुत दिनों से हम लोगों ने लाड़ियाँ नहीं की, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी यार, सीरियसली वाली तबीयत ख़राब थी मेरी। तो इस वजह से बस फिर मैं कुछ नहीं कर सकी। आज मैंने बडी को शॉवर दिया है, क्योंकि बडी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। पूरे 2 वीक्स हो गए थे मैंने बडी को, 2 वीक्स तो नहीं, वैसे बीमारी में भी उठ के मैंने उसको शॉवर दिया था, क्योंकि वो बीमार ना हो जाए इस वजह से। और गर्मी भी है भी नहीं भी, तो समझ नहीं आ रही कि मौसम किस तरीके का हुआ है। बाकी बड़ी की हरकतें देखो सर, बड़ी क्या खा रहे हो। बड़ी को पत्थर खाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है बड़ी को पत्थर खाना। तो गाइस, अब सवाल आज हमारे यहाँ पे ये पैदा हो रहा था कि नन्नी मुझसे पूछ रही थी कि ये क्या है, ये क्या है। तो मैं नन्नी को, ओह, पहले तो हमने इसको तोड़ तोड़ के बड़ी के साथ खूब खेला। बड़ी को इसको खेलने के लिए दो तो बड़ी बहुत खुश होता है। लेट मी शो यू बड़ी 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 डी 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 डी। अब बड़ी इसको लिए पागल हो जाएगा। बड़ी वैसे ये खाने की चीज़ नहीं है, वैसे ये खाने की चीज़ ही है, मगर ये बहुत खट्टी है, इतनी खट्टी है कि हम नहीं खा सकते इसको। लेकिन बड़ी बड़ी के खेलने के लिए बेस्ट चीज़ है। नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मीनू लगा देगी, क्योंकि खुद लगा लो, क्यों नहीं लगेगा। अच्छा तुमने लगा, ये फ़ायदा है कि हम इसको तोड़ तोड़ के बड़ी के साथ खेल सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि ये नन्नी बहुत शौक से खाती है, शौक से नहीं खाती पर हाल मैं नन्नी को छील के देती हूँ ना, ये तो नन्नी खा लेती है इसको। अब इसको छीलने का तरीका यार, ये खुद ब खुद ही छिल जाता है और बड़े अच्छे तरीके से। जब इसको तोड़ो ना, तोड़ते तोड़ते ही, और नन्नी को तो खाने के लिए कुछ भी चलेगा। अगर ये बहुत खट्टा यार, बहुत ज़्यादा खट्टा है, बहुत ज़्यादा वाला खट्टा। बड़ी ने मेरे साथ ये भी खाना है और बड़ी ने मुझे तंग भी करना है, तो खाने का नहीं है ये। ओ ओके, बड़ी ऊपर जाने की करेगा, ये मेरे लिए दुनिया की बेस्ट थिंग होती है कि बड़ी ऊपर जाने की करे। चले जाओ ऊपर, क्यों नीचे यहाँ पे मेरा सर खा रहे हो, जाओ ऊपर, चलो जाओ, थोड़े से ड्राई भी हो जाओगे। ये खा से कैसे छीलूँ यार, इसी तरह छील सकती हूँ। अभी तक हमें पता नहीं लगा और हमने डिसाइड नहीं किया कि ये क्या चीज़ है, मगर इसके अंदर से माल्टों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ओ, ये लग रहा है कि ये माल्टे हैं, देखो छिलके कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल माल्टे जैसे है ना, बट बहुत खट्टा है यार। इसको खाने के लिए सबसे पहले हम टेस्ट कराएंगे बड़ी को, ठीक है, नन्नी को भी टेस्ट करा सकते हैं। नन्नी रुक, तो सबसे पहले चलो नन्नी को टेस्ट कराते हैं। नन्नी को पहले मैं यहाँ बैठाती हूँ, वरना नन्नी मेरे कपड़े गंदे कर देगी। नन्नी ये बैठो, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगी, तुमने खा के बताना है कि कैसा है। ये बहुत खट्टा है, बहुत बहुत ज़्यादा, तो नन्नी इसको खा के बताएगी।
कैसा है नन्नी, मज़ेदार? क्यों नहीं खा रही? ओके, नन्नी ने इसको नहीं खाना, नन्नी ने इसको नो कर दिया। अब हम ये देंगे बड़ी को। बड़ी खा के दिखाओ, आकड़ो पूरा मुंह खोलो, नूनू नूनू बड़ी। नो, बड़ी ने इसको 3 दफ़ा रिजेक्ट कर दिया। बड़ी इसको नहीं खाना चाहता, इसका मतलब यही है। तो इन सब ने इसको खाने के लिए रिजेक्ट कर दिया है। तो बाकी ये जो हाफ पोर्शन बचे है इसको मैं खान के तुम लोग को बताती हूँ कि ये कैसा है। तो इसकी एक फांक में की है मैंने, ठीक है, इसका एक। यार ये कितना क्यूट है, छोटा सा नन्नू सा। बहुत खट्टा है, बहुत ज्यादा खट्टा। नहीं तो सही नहीं खा रही, गला खराब हो चुका ना। तो हमने इसे डिसाइड नहीं किया कि ये क्या है, मगर ये इसके ऊपर बहुत सारे लगे हुए। पहले ऐसा होता था इसके ऊपर सुंडियाँ लग जाती थी, तो मेरी मम्मा ने इसके अंदर खाद शाद मंगा के डाली, क्योंकि मेरी मम्मा को पहले लगता था कि ये नींबू है, पर ये नींबू नहीं है। इनका टेस्ट माल्टे जैसा है, लेकिन भाई गर्मियों में कौन से माल्टे लगते हैं, बट दिस इज़ द राइट टाइम। ये लेकिन पूरी गर्मियाँ लगते रहे। तो अब नन्नी इसको खाने के लिए पागल हो चुकी है, हो चुकी हो चुकी है। लेकिन तुम इसे नहीं खा सकती क्योंकि तुम्हारा गला खराब हो चुका। चलो फिर दे बैठो, चलो। तो ये मैंने नन्नी को दे दिया है, नन्नी इसको खाती रहेगी, खाती रहेगी, खाती रहेगी, खाती रहेगी, खाती रहेगी और ज़ाया करती रहेगी, क्योंकि नन्नी से भी ये खाया नहीं चाहिए। नन्नी को ये पसंद नहीं है, नन्नी को खट्टी चीज़ें पसंद नहीं है, नन्नी को मीठी चीज़ें पसंद है। भाई साहब इनको भी जो है वो मीठी चीज़ें पसंद है, खट्टी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं है। मगर इन्होंने मुझे शदीद तरीके से तंग करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते। नहीं उसको तंग ना करो, मारेगी वो तुम्हें। मार इसको नन्नी, इसको मार, इसकी हड्डियाँ तोड़ दे। क्या बदतमीजी है, क्यों उसको, क्यों उसके मुंह लगा रहा है, क्यों उसको मुंह लगा रहा है, हैं, क्यों उसको मुंह लगा रहा है, वो कुछ खाने की चीज़ है। चलो जाओ उधर, जाओ उधर, जाओ उधर से आ, उधर से आ, घूम के इधर से आ, इधर से आ। इतना बेवकूफ़ है, तुझे समझ नहीं आती बात, समझ नहीं आती बात, बिल्कुल बात समझ नहीं आती। क्यों समझ नहीं आती तुम्हें, बात क्यों नहीं समझ आती? तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हारे दिमाग में खराबी है कोई? क्यों समझ नहीं आती तुम्हें बात? ये क्या किया है कपड़ों का हाल मेरे, ये कपड़ों का क्या हाल किया? ज़रा समझ, ज़रा समझ, ज़रा शऊर, ज़रा कुछ नहीं आ रहा तुम्हें। क्यों नहीं आ रहा, क्यों मार, टप्पा मार, हर चीज़ खानी है, मेरा हाथ भी खाना है। मेरा हाथ कोई खाने की चीज़ नहीं है, मेरा हाथ खाने की चीज़ नहीं है, नहीं है खाने की चीज़ मेरा हाथ। ठीक है, मुझे तुम्हारे कान पसंद है, बहुत पसंद है मुझे नन्नी। बड़ी, बड़ी मेरा बेटा मिठू मिठू है। बड़ी को जब भी प्यार करो तो नन्नी को होता है कि मिठू मिठू है, और बड़ी कुछ नहीं, क्योंकि बड़ी उसका छोटा भाई है ना, 1 साल बहुत हुआ ये, 1 साल के 1 साल छोटा, पूरा 1 साल छोटा। लेकिन बदतमीजी, बदतमीजी में इतना माहिर है, इतना माहिर है, वो नहीं समझ आती। मौ को खाता है, मौ को कट कर लेता है, बदतमीज। कैसे मेरे हाथ पर कट किए, एक आवाज़ के ऊपर मेरा बेटा आ जाता है, मेरी एक आवाज़ के ऊपर, एक आवाज़ के ऊपर दू दू। ठीक है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ, बाय। बड़ी, ओ माय गॉड, बड़ी के बड़ी की फेवरेट हॉबी है भागना, भागना बिना मकसद के, बिना किसी बॉल के, बिना किसी के प्यार के, भागते रहना, भागते रहना, भागते रहना, भागते रहना, भागते रहना, भागते रहना, भागो जी भागो। बड़ी और झप्पू डालना, इधर आओ, बड़ी
मुझे सबसे अच्छा पता है क्या लगता है, बड़ी का साथ साथ ऐसे ऐसे चलना बहुत अच्छा लगता है जब वो, लेकिन वो कभी कभी इस तरह की हरकत करता है क्योंकि वो ज़्यादातर मस्ती में ही होता है। इतना लाडलू हूँ बड़ी की सबसे फेवरेट हॉबी बेटा क्या है, सीढ़ियाँ चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना। लेकिन अभी बड़ी थका हुआ है तो, अभी बड़ी थका हुआ है तो अभी भी आराम से बैठा हुआ है, लेकिन बड़ी तो कभी थकता ही नहीं क्योंकि बड़ी को हर वक्त मस्तियाँ करनी, हर वक्त मस्तियाँ, हर वक्त मस्तियाँ करते रहना है। क्यों नहीं थकता बड़ी कभी, नन्नी आप बताओ बड़ी कभी क्यों नहीं थकता, क्योंकि आप भी नहीं थकती हो। ऐसे तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं खिलाया। लाड करना, लाडलियों में बड़ी का क्या होता है, मेरे पाँव को, मेरे पाँव को खाना बड़ी की लाडलियों में शामिल है। ऐसी लाडियाँ कौन करता है बताओ। अच्छा मुझे अपनी शक्ल दिखाओ ना प्यारी सी। मुँह में पत्ता है तुम्हारे, हैं तुम पत्ते भी खाते हो, तुम इंसान हो, तुम शेर हो या बकरी, शेर हो या बकरी। अब कहाँ जा रहे हो बड़ी के साथ पंगे लेना मेरी फेवरेट हॉबी है। अपना पूरा मुंह गीला करने के बाद ना बड़ी ने मुझे मुंह लगाना है, अपने बर्तनों को तोड़ना है, अपने खाने वाले पॉट को तोड़ना है। नन्नी तुम तो ऐसी हरकतें नहीं करती ना, तुम तो अच्छी बच्ची हो। हाँ सिर्फ बड़ी इतनी गंदी हरकतें करती, चुम्मी तो दे दो। तो गाइज आप लोगों में से सब भी मुझसे पूछ रहे थे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, मेरी हर जगह पर मुझसे आकर ये पूछ रहे थे कि यार तुम कहाँ हो, अवेलेबल नहीं हो, कोई वीडियो नहीं आ रही है अभी तक, दिस एंड दैट। तो मेरी हालत देखो, मेरी शक्ल देखो, उतर गई है बिल्कुल। देखने वाले बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या हुआ। बस मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसको मैं तुम लोग के साथ शेयर करूँगी, पहले उसे सॉर्ट आउट हो जाने दो। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, डिप्रेशन में चली गई, और करने वाला जो था वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, मुझे ऐसा लगता था कि ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई गुड फ्रेंड, बट उसने मेरे साथ ऐसा किया, जस्ट इमेजिन। तो मुझे ज़िंदगी में, मैं ये बात बहुत प्राउड से कहती थी, सबको कहती हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं उन सबको बताया कि मैं बात पर प्राउड से कहती हूँ कि यार मुझे ज़िंदगी में बुरे लोग नहीं मिले, मुझे हमेशा ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोग मिले। और अब मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा बहुत बुरे लोग मिले और मुझे लग पता गया, और मेरी हालत देखो ये इस वजह से ही हो गई है। मैं बहुत दिनों के बाद आज बहुत दिनों के बाद आज बड़ी से मिली हूँ, क्योंकि मैं फाइनली अपना जो केस है वो FIA में कर रही हूँ, वहाँ तक चला गया है, और अब आगे सारी चीज़ें जो है वो फाइनलाइज हो जाएंगी। तो होपफुली सब कुछ अच्छा होगा, और अब एक बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीद के साथ मैं ख़ुद को बूस्टअप करने में भी कामयाब हो गई हूँ। मैंने आज बड्डी को शॉवर दिया, उसके साथ खेली, खुद को थोड़ा सा बूस्ट किया। वो जो मैं बिल्कुल एक ट्रोमा में चली गई थी, खुद को मैंने कमरे में बंद कर लिया था, मैं उस चीज़ से बाहर निकल आई एटलीस्ट। बाकी आहिस्ता आहिस्ता मैं जो हूँ वो चीज़ों से जो है वो रिकवर भी कर रही हूँ, और तुम लोगों को दिखाऊँ कितनी ज़्यादा मैं दवाइयाँ जो है वो खा रही हूँ अभी आजकल। मेरी पूरी टेबल जो है ना वो इन दवाइयों से, इन टैबलेट्स वगैरह से भरी हुई है, और बहुत सारी अभी बाहर पड़ी हैं बाहर डाइनिंग पे, क्योंकि मुझे बहुत कुफ्त होती है इनसे, इनको देख के मैं बीमार हूँ। और आप लोगों को तो पता है मैं वैसे ही इतने डल, मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नहीं सभी डल हैं, सभी डल हैं, सबको सुबह उठ के देर तक सोने की बीमारी है, और उसके बाद नाश्ता करके दोबारा सो जाने की बीमारी है, फिर उसके बाद उठ के शाम को खाना खा के दोबारा सो जाने की बीमारी है। तो मैं उन डल लोगों में रह के अपने आप को और ज़्यादा डल फील करती हूँ। फरीन है, उसको लैपटॉप पे सिर्फ गेम्स खेलना पसंद है और गाने सुनना पसंद है, उसके बाद किचन में जाके खाना पकाना पसंद है। मेरी मम्मा, उनको किचन में बर्तन धोना बहुत पसंद है, और बाकी मेरे भाई, उनको खाने के बाद सोना और सोने के बाद कपड़े पहन के बाहर चले जाना और बाहर जाके फिर वापस आके फिर दोबारा सो जाना, ये सारी चीज़ें पसंद है। और आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल। तो मैं उसी ट्रोमा में चली गई थी, मुझे सोना बहुत अच्छा लग रहा था पिछले कुछ दिनों में, तो उससे रिकवर किया मैंने, बहुत मुश्किल से रिकवर किया, और आज वो पहला दिन है जब मैं कामयाब हो गई हूँ। मैंने रोना बंद कर दिया है अभी के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैंने ये सोचना शुरू कर दिया है सारी चीज़ों को छोड़ के कि जो भी होगा अब देखा जाएगा,
अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। उससे पहले मैं बहुत सारे कंसर्न्स सोच रही थी, अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ तो कैसा हो जाएगा। इवन कि मैंने अपने कमरे की सारी चीज़ें उतार उतूर के फेंक दी गुस्से में, सब तोड़ दिया, सब डिस्ट्रॉय कर दिया, तो सब कुछ दोबारा से बिल्ड करना है, खुद को भी बिल्ड करना है। इंटरनेट बंद कर दिया था, हर चीज़ बंद कर दी थी मैंने, इवन के सिर्फ वाई अपने कस्टमर्स के, जो वो भी जो रनिंग कस्टमर्स से, उनके अलावा किसी और से बात नहीं कर रही थी मैं, वो भी इस वजह से क्योंकि उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना पैसा ले रखा है यार, वो तो करना पड़ेगा मुझे। तो मेरे लिए दुआ करो, अभी के लिए मैं तुमसे यही कहूँगी, मेरे लिए दुआ करो, उसके बाद मैं दोबारा से आऊँगी वापस और दोबारा से अपने सारी जो है ना वो चीज़ें स्टार्ट करनी है। यूट्यूब पे बहुत सारा काम करना था और मैं अच्छे मौसम का इंतज़ार कर रही थी कि मौसम ज़रा ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे कमरे में एसी नहीं है यार, तो फिर एसी के बगैर जो है ना वो वीडियो शूट करना एक बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है, पसीना आता है, इन समथिंग लाइक दैट स्टफ़, और पंखा चलाओ तो बहुत ज़्यादा वॉइस में डिस्टॉर्शन होता है, तो वो सारा कुछ अब मैंने ठीक किया है, अब दोबारा से सब चीज़ें रूटीन पे आ जाएंगी इंशाल्लाह। क्योंकि जब एक दफ़ा इंसान जो होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म होता है ना, और उस ख़त्म होने के बाद वो दोबारा से जब खुद को उठाता है और दोबारा से ख़ुद को बूस्ट करता है, तो फिर वो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही निकलता ही है उसके अंदर से, अल्लाह ताला ने उसको उस जर्नी से कुछ ना कुछ तो अच्छा सिखाया ही होता है। तो मैंने भी एक सबक सीखा है कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, चाहे वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी है, वो प्रटेंड तो कर रहा है कि वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। अच्छा ये नहीं है कि वो अगर एक अच्छे दोस्त ने आपको इस तरह से आपके साथ धोखा किया है, तो ऐसा भी है कि मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त अभी भी मेरे साथ खड़े थे, जिन्होंने मुझे दोबारा यहाँ तक लेके आए, मेरे लिए स्टैंड लिया और अभी भी खड़े हैं, और सबको पता है वो कौन है क्योंकि मेरा एक ही अच्छा दोस्त है पूरी दुनिया में। तो वैसे तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो सब लड़कियाँ, उनने शादियाँ कर ली हैं, उनके बच्चे हैं, वो मेरे साथ अब खड़े होने के काबिल नहीं है, वो अपने बंदों के साथ ही खड़े होने के काबिल है। बट वो एक मेरी दोस्त, उसका वो मैंने उसकी एक कॉल का आना, उसकी एक कॉल ने मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दोबारा बिठाया, और एक और दोस्त, उसका नाम मैं नहीं ले सकती, इजाज़त नहीं है भाई, तो उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया दोबारा से। कल उससे मिलने के बाद बस एक दो थोड़े से मिनट में उसके साथ मिलने के बाद, उसके साथ बैठने के बाद मैं अच्छी हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता क्यों बट ऐसा है मेरे साथ। तो अब मैं ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा अपनी जगह पे वापस आ गई हूँ, दोबारा चैलेंज करूँगी, दोबारा से तुम लोग सजेस्ट कर सकते हो मुझे चैलेंज, तो ये व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि तुम लोगों के साथ मुझे थोड़ी सी बातें शेयर करनी थी। तो अब मैं दोबारा से खुद को उसी तरह से बूस्ट करूँगी, दोबारा से काम करूँगी, और अब बहुत अच्छा काम करूँगी इंशाल्लाह। अब मैंने चीज़ों के बारे में ना सोचना छोड़ दिया है कि यार अब क्या होगा, अब मैं ये सोच रही हूँ जो भी होगा मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ फेस करने के लिए तैयार हूँ। अब साला बहन चुत कुछ मर भी जाए ना, उसको भी फेस करने के लिए तैयार हूँ, अब कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब यानी ज़िंदगी में पहली दफ़ा अगर मुझे कोई बंदा बुरा मिला है, तो दैट्स नॉट मीन कि मैं पीछे सारे अच्छे लोगों को भूल जाऊँ, अपनी अच्छी ऑडियंस को, अपने अच्छे दोस्तों को, अपने अच्छे यारों को, अपनी अच्छी ज़िंदगी को भूल के सिर्फ एक फजूल बंदे के पीछे अपनी ज़िंदगी को इस तरह से पागल कर लूँ। तो अब सब सही है, ऑल इज़ वेल। तो गाइज मिलते हैं अपने न्यू चैलेंज में, न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करना। मैं तुम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं क्यों इतना ज़्यादा डिसहार्ट हो गई थी, और मैंने खुद को बूस्ट अप कैसे किया। तो बाय बाय, लव यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।